कोई उन्हें हुस्न की मलिका कहता तो कोई नूर जिगर। फिल्म जगत की प्रमुख दिशाओं की वह चर्चित हस्ती रही हैं, चाहे बॉलीवुड हो या तेलुगु भाषा वाली फिल्में, उन्होंने अपनी अदाकारी की छाप हर जगह छोड़ी है। वह 1950, 1960 और 1970 के दशक के फिल्मों में विभिन्न शैलियों में अपना योगदान देती नजर आईं। वह महान बहुचर्चित हस्ती कोई और नहीं वहीदा रहमान जी है। वहीदा रहमान का जन्म 14 मई 1938 में भारत के तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में मुस्लिम परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी बहन के साथ चेन्नई में भरतनाट्यम की महारत हासिल की है। उनके किशोर अवस्था में ही उनके जिला आयुक्त पिता की मृत्यु हो गई। डॉक्टर बनने का सपना सजाने वाली वहीदा रहमान के किस्मत को यह मंजूर न था। फेफड़े की दिक्कत के कारण वह उपयुक्त शिक्षा प्राप्त न कर सकी। 1995 में तेलुगु फिल्मों से उन्होंने फिल्मी दुनिया की ओर अपना कदम बढ़ाया। तेलुगु फिल्मों से शुरुआत करने वाली वहीदा जी को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक CID से मिला, जिसमें उन्होंने नेगेटिव भूमिका निभाई है। उनके उस फिल्म में गुरुदत्त थे, जिनके साथ उन्होंने कई और फिल्मों में भी काम करा, जैसे प्यासा, कागज के फूल, चौधरी का चांद, साहिब बीवी और गुलाम शामिल है। फिल्म बाजी की सफलता ने अभिनेता गुरुदत्त को नई पहचान दी। कभी पैसे का अभाव इतना था कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी न कर सके, लेकिन इस फिल्म के बाद उनकी जिंदगी बदलने लगी। वह बड़े अच्छे निर्देशकों में माने जाने लगे। उनका अलग प्रोजेक्ट CID था। वहीदा बेहद सुंदर भी थी और बातचीत का लहजा भी सुंदर था। गुरुदत्त को वह कलाकार मिल चुका था जिनकी उन्हें तलाश थी। इसके बाद अगली फिल्म में वो गुरुदत्त की नायिका थी। नायिका होने के साथ साथ उन दोनों में प्यार हो गया। गुरुदत्त की जिंदगी दो नावों में झूल रही थी, एक तरफ गीता दत्त और दूसरी तरफ वहीदा रहमान। वह इन रिश्तों में सामंजस्य नहीं बिठा सके। फिल्म जगत की एक प्रेम कहानी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। कहा जाता है कि कागज के फूल दरअसल उनकी अपनी प्रेम कहानी थी, जो वहीदा और उनके प्रेम पर बुनी गई थी। कागज के फूल बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप हो गई और गुरुदत्त ने अपने आप को फिल्म के सुरेश की तरह शराब में झोंक लिया। अव्यवस्थित जीवन जीने लगे और अपनी जिंदगी वक्त के कहीं पहले ही आत्महत्या करके खत्म कर ली। फिल्मों में देवानंद के साथ वहीदा रहमान की जोड़ी खूब जमी थी। दोनों ने हिंदी फिल्मों की जगत में 5 सुपरहिट फिल्में दी थी। यह फिल्में हैं CID, 16 साल, काला बाजार, बात एक रात की और गाइड। इसके अलावा दोनों ने 2 और फिल्में करी, जो थी रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम पुजारी। परंतु दुर्भाग्यवश आलोचकों के सराहना के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्में फ्लॉप रहीं। फिल्म गाइड में वहीदा रहमान द्वारा अभिनीत चरित्र रोजी और उनके अभिनय को लेकर उस जमाने में काफ़ी सराहाया गया था। रोजी नाम की एक महिला अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग उस समय एक आम भारतीय पारंपरिक परिवार के लिए स्वीकार्य न होने के बावजूद फिल्म का सुपरहिट होना वहीदा और देवानंद के लिए सश्रेष्ठ अभिनय का प्रमाण था। उस समय वहीदा रहमान ने भी माना था कि अगर उसे फिर से गाइड जैसी फिल्म में अभिनय करने का मौका मिलेगा तब भी वह रोजी जैसे चरित्र को ही निभा पाएंगी। 1962 में गुरुदत्त की टीम से अलग होने के बाद वहीदा रहमान ने निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म अभिजान में काम किया। इसी वर्ष उनकी एक और सुपरहिट फिल्म 20 साल बाद रिलीज हुई। वर्ष 1964 में कोहरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल दिखाया। 1960 का दशक वहीदा रहमान के करियर के लिए बेहद सफल माना जाना चाहिए। इस दौर में वह हिट फिल्म देने वाली अपनी समकालीन अभिनेत्रियों में से सबसे आगे रही थी। ऊपर उल्लेखित फिल्मों के अलावा उनकी इस दौर की अन्य हिट फिल्में 1967 में प्रदर्शित राम और श्याम और पत्थर के सनम के अलावा प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त के साथ अभिनीत एक फूल चार कांटे, मुझे जीने दो, मेरी भाभी और दर्पण प्रमुख हैं।
ऐसा भी नहीं था कि इस दौर में वहीदा की फिल्मों ने असफलता का स्वाद नहीं चखा था। अच्छी कहानी और फिल्मों की आलोचकों का सहारा लेने के बावजूद 1966 में तीसरी कसम और 1971 में रेशमा और शेरा का बॉक्स ऑफिस पर असफल होना सबके समझ के परे था। इतना ही नहीं, इस दौरान अभिनेता धर्मेंद्र के साथ आई वहीदा रहमान की फिल्म भी बिना हलचल किए पर्दे से उतर गई थी। फिर 1974 में वहीदा का उस समय सुपरस्टार रहे अभिनेता राजेश खन्ना के साथ फिल्म खामोशी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। 1969 से लेकर 1964 के दौरान वहीदा रहमान का सबसे अधिक मेहताना पाने वाली अभिनेत्रियों की सूची में तीसरे स्थान पर थी और 1966 से 1969 के दौरान इस सूची में वह समकालीन अभिनेत्री नंदा और नूतन के साथ दूसरे स्थान पर थी। अभिनेत्री नंदा वहीदा की सबसे नज़दीकी दोस्तों में से थी। दोनों ने वर्ष 1960 में प्रदर्शित फिल्म काला बाजार में सह कलाकार की भूमिका निभाई थी। वहीदा ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने फिल्मी जीवन में खूब मेहनत करने के कारण ही उनकी फिल्म गाइड को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ से वह अपने करियर के शिखर पर लंबी छलांग लगाना शुरू की। उन्हें नील कमल के लिए भी 1968 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन बाद की फिल्मों में उत्कृष्ट अभिनय के बावजूद, जिसमें रेशमा और शेरा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना शामिल रहा, उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। हिंदी फिल्म सीआईडी में अपनी पहली उपस्थिति देने के बाद उन्हें प्यासा, 12 o'clock, कागज़ के फूल, साहिब बीवी और गुलाम, चौधरी का चांद सहित कई सफल फिल्मों में देखा गया। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में 16 साल, बात एक रात की, कोहरा, 20 साल बाद, गाइड, मुझे जीने दो, तीसरी कसम, नील कमल और खामोशी शामिल है। अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरु दत्त के विफल प्रेम संबंध और उनकी टीम को छोड़ने के बाद वहीदा रहमान ने 1964 में शगुन नाम की फिल्म की थी। इस फिल्म में उनके सह कलाकार कमलजीत सिंह थे। यह फिल्म तो नहीं चली, परंतु दोनों के दिल मिल गए। फिर 1974 में दोनों ने शादी कर ली और मुंबई छोड़कर बैंगलोर के पास स्थित एक फार्म हाउस को अपना ठिकाना बना लिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कमलजीत सिंह का वास्तविक नाम शशि रेखी था। 1960 के दशक में वो भी फिल्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, परंतु वह असफल रहे और आखिर में उन्हें बिजनेस की दुनिया में लौटना पड़ा। बैंगलोर के फार्म हाउस में रहने के दौरान उनकी बेटी काशवी रेखी और सोहेल रेखी का जन्म हुआ। वर्ष 2000 के दौरान कमलजीत के बीमार होने की वजह से वहीदा रहमान अपने परिवार के साथ मुंबई लौट गई और मुंबई में बांद्रा बैंडस्टैंड में स्थित साहिल में फिर एक बार अपना बसेरा बना लिया। वैवाहिक जीवन सुखमय रहा, पर 21 नवंबर 2000 को कमलजीत का निधन हो गया। वहीदा रहमान का बेटा सोहेल रेखी MBA करने के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत है, तो वही उनकी बेटी काशवी रेखी एक ज्वेलरी डिजाइनर है। काशवी ने वर्ष 2005 में फिल्म मंगल पांडे में सीक्रेट सुपरवाइजर के साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखने का भी प्रयास किया था, परंतु इस फिल्म के बाद वह इंडस्ट्री से अलग ही रही। 70 के दशक के मध्य से मुख्य हीरोइन के रूप में वहीदा का करियर समाप्त हो गया और चरित्र अभिनेत्री के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया। बाद में वह वाटर, दिल्ली 6, रंग दे बसंती में नजर आईं। कमल हसन की निर्देशित फिल्म विश्वरूपम 2 में वहीदा रहमान ने एक बार फिर लंबे अंतरकाल के बाद अभिनय किया। दर्शकों ने उन्हें हमेशा सराहा है, उनकी अदाकारी दिल से पसंद की है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए चेहरे, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।